बड़ी खबर नेपाल से, जहां नेपाल में बड़ा विमान हादसा। यति एयरलाइंस का प्लेन क्रैश, काठमांडू से पोखरा जा रहा था विमान। विमान में करीब 68 यात्री थे सवार। यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ATR-72 विमान पोखरा के पास क्रैश। प्लेन क्रैश होने के बाद लगी आग। आसपास मची अफरा तफरी। प्लेन क्रैश होने का कारण अभी अज्ञात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेपाल से, जहां बड़ा विमान हादसा हुआ। यति एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हो गया है। काठमांडू से पोखरा जा रहा था विमान। विमान में करीब 68 यात्री सवार थे। यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ATR-72 विमान पोखरा के पास क्रैश हुआ। प्लेन के क्रैश होने के बाद आग लगी और आसपास के माहौल में अफरा तफरी मच गई है। अज्ञात अभी भी कारण है, इसका कारण अभी भी अज्ञात बताया जा रहा है कि किस कारण से प्लेन क्रैश हुआ है। तो बड़ी खबर आपको नेपाल से बता रहे हैं, जहां काठमांडू जा रहे प्लेन जो है अचानक क्रैश हो गया। काठमांडू से ये पोखरा जा रहा था विमान और विमान में करीब 68 यात्री सवार थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे प्लेन क्रैश होने के बाद आग लग गई। एक्सक्लूसिव हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए हैं और भीषण आग इस प्लेन में लग गई है। क्रैश होने के बाद जो है इस प्लेन में आग लगी और अभी भी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। बुरी तरह से प्लेन जो है क्षतिग्रस्त हो गया है और बड़ा विमान हादसा नेपाल से पोखरा जा रहे प्लेन में हुआ है। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव बता रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठे हो गए हैं और प्लेन जो है धधक धधक कर जल रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक ये क्रैश हुआ होगा। अभी भी लोगों का रेस्क्यू करने का ऑपरेशन जारी है। लगातार यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम जो है सूचना मिलते ही आ गई है, मगर अभी तक इसके क्रैश होने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। अभी तक कोई कारण पता नहीं चला है कि आखिर किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि कितनी बुरी तरह से इस प्लेन में जो है क्रैश हुआ है और पूरी तरीके से प्लेन जलकर राख हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेपाल से, नेपाल से पोखरा जा रहा था विमान और खबरें सामने आ रही है कि इसमें लगभग 68 यात्री इसमें सवार थे और अभी भी रेस्क्यू चल रहा है लोगों का। और पूरी तरीके से ये प्लेन जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है कि कितने लोगों को कितनी क्षति हुई है, कौन बच पाया है। और लगातार जो है बचाव का कार्य यहाँ पर चल रहा है पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से लोगों को रेस्क्यू किया जाए, अगर कोई बचा हो। हालांकि हादसा बहुत भीषण हुआ है। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि कितना खतरनाक ये प्लेन जो है क्रैश हुआ है। आग की लपटें आप देख सकते हैं साफ तौर पर। धुआं जो आप देख सकते हैं, कितना खतरनाक धुआं जो है इस क्रैश के बाद निकल रहा है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी बुरी तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि अभी तक इसकी वजह स्पष्ट नहीं हुई है कि आखिर किस वजह से ये भयानक हादसा हुआ। और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। MKN न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं घटनास्थल की तस्वीरें। और जानकारी ये भी आ रही है कि प्लेन का कुछ हिस्सा नदी में भी गिरा है और खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ है। सूत्रों का ये कहना है कि मौसम में खराबी चल रही है, जैसा कि आप सभी को पता है लगातार आए दिन कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है और कोहरे के कारण जो है इस प्लेन के क्रैश होने की खबरें आ रही है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि प्लेन क्रैश होने का जो मेन कारण है वो क्या है, मगर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि खराब मौसम के चलते प्लेन क्रैश हुआ है।
और बताया जा रहा है कि इसका कुछ हिस्सा नदी में गिरा और कुछ हिस्सा यहाँ जमीन पर जो गिर चुका है उसमें भयानक आग लगी है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह ये भयानक हादसा जो है हुआ है। 68 लोग इस प्लेन में सवार थे, उन लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो नेपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जो है प्लेन नेपाल से पोखरा जा रहा था और ATR-72 विमान नाम है इस प्लेन का। आसपास में अफरा तफरी का माहौल मच गया है, जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं इतना भयानक हादसा हुआ है कि लोग भी घटनास्थल पर जो है इकट्ठे हो गए हैं और लगातार जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर लगी है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आ गया है और बचाव का कार्य देखा जा रहा है कि कुछ लोग अगर बचे हो तो उन्हें ज्यादा नुकसान ना हो इसके लिए उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं स्क्रीन पे और ये तस्वीरें ही काफी है ये बयां करने के लिए कि कितना खतरनाक ये क्रैश हुआ होगा और 68 लोग जो इस प्लेन में फंसे थे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरी कोशिश है पुलिस की कि अगर जो लोग इसमें बच गए हो या फंसे हो अंदर उन्हें बचाया जाए और किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो। हालांकि क्रैश जो है वो बहुत खतरनाक हुआ है, इस बात को खुद तस्वीरें ही बयां कर रही है। तो नेपाल से आपको खबर बता रहे हैं जहां भीषण क्रैश जो है ATR-72 विमान में हुआ है और सबसे पहले MKN न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। अड़सठ लोग जो है इस प्लेन में थे सवार और अभी तक की जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से उसमें ये बताया जा रहा है कि खराब मौसम के चलते यह हादसा हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं कि खराब मौसम के चलते फ्लाइट भी कई सारी कैंसिल हो रही है, ट्रेन भी कैंसिल हो रही है, यातायात के जो साधन है उन्हें कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा छाया हुआ है कि बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे मौसम में जो है यात्रा करना या किसी भी प्रकार के साधन को चलाना। और जब बात हम विमान की करते हैं या प्लेन की करते हैं या हवाई विमान की बात जब होती है तो खराब मौसम के चलते जो है एक बड़ी चुनौती आ जाती है। एक तो कोहरा इतना ज्यादा रहता है कि बड़ा कठिन हो जाता है एक पायलट के लिए कि वो कैसे जो है यात्रियों को अच्छे से उनके स्थान पर पहुंचाए। और ऐसे में जब कुछ गलती हो जाती है या कहे कि किसी लापरवाही के कारण ऐसे हादसे जो है हो जाते हैं, ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह रही होगी, क्या मुख्य वजह है कि प्लेन के क्रैश होने की। और बताया तो ये भी जा रहा है कि इस प्लेन का आधा हिस्सा जो है वो नदी में जा गिरा है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि इसमें जो सवार यात्री थे उनके क्या हालात है, उनको लेकर अभी तक कोई खबर नहीं आई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार जारी है, पुलिस की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है देखने की कि क्या कुछ हालात है और कैसे अगर कोई यात्री फंसा हो उसे बचाया जा सके। तो देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा हादसा ये जो हुआ है। एक्सक्लूसिव आपको हम तस्वीरें बता रहे हैं हमारे चैनल के जरिए और लगातार खराब मौसम के चलते ऐसी खबरें सामने आती है कि हादसा हो गया है, चाहे बात हम किसी भी साधन की करें। नेपाल से पोखरा की ओर जा रहा था ये प्लेन Thank you.
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव हम बता रहे हैं। नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान और 68 यात्री इसमें सवार थे। नेपाली मीडिया के हवाले से पता चल रहा है कि विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था, विमान में 68 यात्री और 3 क्रू मेंबर सवार थे। जो विमान क्रैश हुआ ये यति एयरलाइंस का बताया जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चश्मदीदों ने हादसे के बाद धुएं के गुब्बारे देखे, जैसा कि हम आपको भी तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कितने बड़े बड़े जो है धुएं के गुब्बारे दिख रहे हैं। पूरा वातावरण जो है यहाँ पर धुएं में तब्दील हो गया है। और एक अहम बात सामने आई है कि काठमांडू में मौसम खराब था और यति एयरलाइन में ATR 72 जो विमान का नाम है इसने तय समय पर ही जो है उड़ान भरी थी, मगर इसके बावजूद भी यह हादसा हो गया। और जानकारी के मुताबिक जहाज को कैप्टन कमल कैसी उड़ा रहे थे और पोखरा के सेती खोज में दुर्घटना हुई जहां जहाज में भीषण आग लग गई। और यति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बरतोला ने बताया कि आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, खराब मौसम के चलते अभी तक की जानकारी में तो यही आया है कि तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार धुएं के गुब्बारे जो है नजर आ रहे हैं और कितना भीषण ये हादसा है, ये तस्वीरें ही आपको बता रही है। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसमें खुद तस्वीरें ही बयां कर रही है कि कितनी खतरनाक तरीके से ये हादसा जो है हुआ है। और ऐसे में अब बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिरकार अगर मौसम खराब था तो प्लेन को उड़ान क्यों भरने दी गई और 68 यात्री जो इस प्लेन में सवार थे उनका क्या हाल है अभी इस चीज को लेकर। अभी तक तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है, मगर काठमांडू पोस्ट की खबर के हवाले से पुराने हवाई अड्डे और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच ये दुर्घटना हुई है और इस प्लेन का आधा हिस्सा, कहा जा सकता है कि आधा हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा नदी में भी समा गया है और जो आधा हिस्सा जमीन पर आया है उसमें बहुत ज्यादा भीषण आग लग गई है। धुएं को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा खतरनाक आग यहाँ पर लगी है। आग को देखते ही, धुएं के गुब्बारों को देखते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई, सब लोग घटनास्थल पर मौजूद हो गए। वहीं हादसे की सूचना पाकर रेस्क्यू फोर्स मौके पर तो पहुंच गई है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। ये प्लेन जो है 72 सीटर प्लेन बताया जा रहा है, खबरें जैसे आ रही है इसमें 68 यात्री सवार थे, ATR 72 इसका नाम था और 4 क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे, यानी पूरे 72 लोग एक विमान में थे। और पर्वतीय क्षेत्र में हादसा हुआ है, देख सकते तस्वीरों में कि जहां इसका आधा हिस्सा घिरा है वो भी एक जंगल जैसा नजर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल भी खड़े होते हैं और लापरवाही की भी बातें सामने आ रही है कि इतना बड़ा प्लेन हादसा हुआ है जिसमें 68 यात्री सवार थे, उनके क्या हाल है। ये सब पता करने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर जुट गई है रेस्क्यू करने के लिए। और नेपाल के काठमांडू से पोखरी की ओर ये प्लेन जा रहा था जिसमें भयानक क्रैश हुआ और उसके बाद प्लेन जो है पूरी आग में तब्दील हो गया। वहीं सूचना लगते ही फौरन पुलिस और रेस्क्यू टीम, ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब पानी के इंतजाम किए गए हैं, आग बुझाने के लिए लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है।
कि किसी तरह से इस आग पे काबू पा लिया जाए, क्योंकि जंगल के क्षेत्र में आग लगी है तो धीरे धीरे करके आग बढ़ भी सकती है। इसलिए लगातार रेस्क्यू टीम द्वारा और रेस्क्यू फोर्स द्वारा ये काम, ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से आग पर काबू पा लिया जाए, आग को बुझा दिया जाए, तो पता चल सके कि अंदर कितने यात्री हैं और क्या कुछ जो है हालचाल है। अभी तक आग इतनी भीषण है कि कोई भी ये पता नहीं कर पा रहा है कि कितने लोग घायल हैं और क्या कुछ स्थिति है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस प्रकार लोगों का जमावड़ा घटना स्थल पर इकट्ठा हो गया। लगातार पानी के जरिए, रेत के जरिए आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेपाल से, जहां काठमांडू से पोखरा जा रहे प्लेन में भीषण क्रैश हो गया है और उसके बाद आग लग गई है। लगातार जो है लोगों के द्वारा भी, स्थानीय लोगों के द्वारा भी मदद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही लोगों ने ये आग के गुब्बारे उठते देखे, वैसे ही लोग भी इकट्ठा हो गए और लगातार उनके द्वारा भी रेस्क्यू फोर्स की मदद की जा रही है, उनकी भी सहायता की जा रही है कि किसी तरह से इस आग पर काबू पा लिया जाए, अन्यथा नुकसान जो है वो ज्यादा हो सकता है। खबर आपको बता रहे हैं नेपाल से, जहां नेपाल के काठमांडू से पोखरी जा रहे प्लेन में भीषण क्रैश हुआ है और 68 यात्री इस प्लेन में सवार थे, साथ ही 4 क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। खराब मौसम के चलते बताया जा रहा है कि प्लेन में क्रैश हुआ है। हालांकि आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जहां मौसम के चलते हादसे देखे जाते हैं और कई बार जो है प्लेन, फ्लाइट्स और ट्रेनें भी कई बार रद्द की जाती है, क्योंकि मौसम का मिजाज जो है लगातार बदलता जा रहा है। कोहरे के कारण बहुत मुश्किल हो जाती है चीजें और स्थितियां। ऐसे में खराब मौसम के चलते, सूत्रों का ये कहना है कि खराब मौसम के चलते ही इस प्लेन में क्रैश हुआ है। हालांकि अभी जांच होनी बाकी है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वजह रही होगी या क्या वजह है जिसकी वजह से इतनी भीषण आग लगी और ऐसा क्रैश हुआ है। और लगातार जो है कोशिश तो की जा रही है कि अगर कोई अंदर फंसा हो या किसी भी स्थिति में हो, घायल हो, उसे बचाने का प्रयास करे और किसी भी प्रकार की हानि ना हो, ऐसी कोशिश तो है। मगर अब देखना खास ये होगा कि इसकी क्या वजहें निकलकर सामने आती है और जांच के बाद ही ये सारी चीजें जो है पता चल पाएगी। मगर तस्वीरों को देख के तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हादसा बहुत भीषण है और जान हान की माली हानि इसमें हुई ही होगी, क्योंकि इतना भीषण हादसा नेपाल में हुआ है।